हमारी पंजाब सरकार के बिल दोबारा आगे बिजली के बिल की बात कर रहा हूँ, और बिजली के बिल बहुत ही सस्ते कर दिए भैया, रोने आ रहे हैं उसके ऊपर। चेतन भाई ये दिल्ली रहते, ये अपने बिल का हाल सुना रहे थे, और इनका हाल सुनते सुनते मैंने कहा यार मैं अपना हाल बताता हूँ। चेतन भाई आप सबको स्टोरी सुना देता हूँ। एक छोटा सा रूम है, रूम आपने वो चेतन भाई आपने वो सीरियल देखे अपना जो 1990s में आता था ऑफिस का? बिल्कुल देखा है, उसमें एक ऑफिस होता था। हाँ, और उसी तरह उसी पंकज कपूर का उसी तरह का हाल मेरा हो रखा है। मैं ऑफिस के धक्के खा खा के मेरे को ऐसा दिल कर रहा है कि मैं पंजाब छोड़ दूं और यहाँ दिल्ली आके फंस जाऊं। फिलहाल ऐसा मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर गवर्नमेंट कह रही है बिल कम करा दिए। पिछले 4 महीने हो गए मेरे को जद्दोजहद करते हुए। एक मेरे 2 फ्लैट्स हैं जीरकपुर में, एक फ्लैट मेरी फैमिली रहती है, एक फ्लैट में देखो अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, एक फ्लैट मैंने अपने लिए रखा हुआ है, वो बंद ही रहता है। वन रूम है भैया, वहाँ पर मैंने अपनी एडिटिंग मशीन रखी है, कभी कभी जाके एडिट करता हूँ, कभी कभी जाके बैठता हूँ, मोस्टली वहाँ पर कुछ नहीं करता, ठीक है। और उसका बिल आप सुन के हैरान हो जाओगे, हमेशा पिछले 5-6 सालों से बिल आ रहा था 2000, लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट आई या क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ, उस फ्लैट का बिल आ गया 14,000 रुपये। और दैट टाइम आई वॉज इन गोवा। कितना? 14,000। एक मैं बताता हूँ, एक AC लगा है, ऑल LEDs, और कुछ नहीं लगा भैया, 14,000 रुपये बिल आया एक AC में। अगर एक AC में रोज ना भैया, एक AC में तो मैं आप रहते ही नहीं हो, जाते ही नहीं हो, और आपने उस टाइम पे ट्रैवलिंग किया। अगर आप 15 दिन बाहर हो और 15 दिन आप रहे, अगर 15 दिन आप लगातार 6 घंटे AC भी चलाएंगे तो भी आपका बिल 3 से 3,500 से ऊपर नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम 4,000 मैक्सिमम। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग ट्रिप कर रहे हैं तो चेतन भाई अपने बिल बता रहे थे, तो मैंने कहा मैं अपनी दुख की दास्तान सुनाता हूँ। सबसे पहले ऑफिस की दास्तान सुनाता हूँ मैं भैया। 14,000 के बाद बड़ा हैरान हुआ, इनकी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, सॉरी एप्लीकेशन है PSPCL। अब उसका हाल सुन लो चेतन भाई, आप सुन के हैरान हो जाओगे। आप बोलोगे आप दिल्ली में रहते हो, आप ठीक रहते हो, आप बिजली के बिल बहुत कम देते हो, और इनका मैं बिल सुन के हैरान हो गया। ये पूरी फैमिली के साथ रहते हैं ये भैया। ये एप्लीकेशन है PSPCL कंज्यूमर सर्विस। ये कंज्यूमर सर्विस क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर चेतन भाई कंप्लेंट बॉक्स दे रखा है इस एप्लीकेशन में, अभी खुल रही है ये एप्लीकेशन, आप देख लो कंप्लेंट बॉक्स दे रखा है। मैं आउटडोर टूर कर रहा था, मैं बिल देख के हैरान हो गया चेतन भाई। मैंने क्या कर दिया एप्लीकेशन में लॉग इन करके कंप्लेंट कर दी, और आप मानोगे 2 घंटे के अंदर मैसेज आता है कंप्लेंट रिजॉल्व। मतलब ये एप्लीकेशन तो बकवास है। यहाँ पर लोग बिठाए हुए हैं, वो क्या करते हैं जैसे ही आप कंप्लेंट रेज करते हैं कंप्लेंट रिजॉल्व वो करके देते हैं। चलिए उसके बाद एक नंबर आता है, नंबर आया 94 समथिंग, उस नंबर पे डायल किया, वो बंदा कहता है मेरे को कुछ पता ही नहीं है, आप ऐसा करो कस्टमर केयर में करो। फिर कंप्लेंट दोबारा डाली एप्लीकेशन में, फिर एक नंबर आया 19 समथिंग, वो मैंने नंबर नीचे लिख दिया चेतन भाई, उस नंबर पे कॉल सेंटर पे कॉल किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ भैया क्या हुआ, उससे पहले मैं अपने ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद मैंने सारी बत्तियाँ बंद की। ओके टक 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 मैंने सारी बत्तियाँ क्लोज की। बत्तियाँ क्लोज करने के बाद मैं नीचे आया, मीटर देखा, मीटर धक 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 कैसे चल रहा था वो आप देखो पहले यार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये मेरा छोटा सा भैया ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक AC लगा हुआ है, बहुत कम आता हूँ, साथ ही मेरा एक फ्लैट है इसी सोसाइटी में। भैया ये MCB कहते हैं ना, इसको बंद करने से क्या होगा, बिजली हो जाएगी बंद, ये होगी बंद, तो अभी नीचे लेके जाना पड़ेगा आपको कुछ दिखाने के लिए, तो ये मैं अंदर दिखा रहा हूँ। MCB मैंने बंद कर दी है, कोई पावर नहीं चल रही अपने यहाँ पर, और ये है अपने नीचे का रास्ता, आपको मीटर भी दिखाते हैं। MCB बंद है यानी कि कोई पॉइंट चल नहीं रहा अभी, ना इन्वर्टर चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो यहाँ से अब हम नीचे जाते हैं। हाँ ये मीटर है अपना, ये 204 फ्लैट नंबर इंद्रजीत पांसल जिनसे मैंने ये फ्लैट लिया था, और पूरा MCB बंद है फिर भी ये मीटर का ब्लिंक देखो भैया, ठक 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 ठक। तो ये कुछ इस तरह का माहौल, इस तरह का मंजर है भैया यहाँ पर बिजली विभाग का। ये देख लो भैया मीटर अपने आप ही चलते आ रहे हैं,
साथ वाले मीटर देखोगे या कोई और देखोगे तो इतनी बेसिकली क्या है कि ये पावर चलती जा रही है। आपको थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, अब इसको कर देते हैं बंद। तो देख लिया, तो ये ऐसे मीटर चल रहा है भैया इनका, और उसके बाद सुनवाई कहाँ पे हो रही है? सुनवाई ऐसे हो रही है, इनका एक कॉल सेंटर नंबर है, उस कॉल सेंटर में नंबर कॉल किया और ये लोग कह रहे हैं कि आपको अगर बिजली की कंप्लेंट करानी है, आपका मीटर तेज चल रहा है, आपका बिल खराब आया है, तो आप चले जाइए बिजली घर। मतलब ऑल ओवर बात है कि धक्के खाओ। हाँ, और ऑफिस में भैया उधर तो कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ, ये छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो। हेलो जी सर, जड़ी तो ये एप्लीकेशन बनाई है, एप्लीकेशन में कॉलम है कंप्लेंट का, राइट जी। तो जितनी बार कंप्लेंट के कॉलम में कोई कंप्लेंट करो, उसके एक या दो घंटे बाद, एक दिन बाद मैसेज आता है मार्क एज रिजॉल्व्ड। तो ये कंप्लेंट आपका कोई देखता भी है या बैठ के सिर्फ रिजॉल्व ही करते रहते हैं आप लोग? 16,500 बिल आया जी थोड़ा। हाँ जी जी, ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ 16,500 ਰੁਪਏ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਸਰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ BHK ਜਹਾਂ ਪਰ ਸਿੰਗਲ AC ਲਗਾ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਯੇ ਫਲੈਟ ਮੈਂ ਕਭੀ ਕਭੀ ਆਤਾ ਹੂੰ, ਇਸਕਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 16,000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਕੀ ਮੈਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਾਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, मेरे को मैसेज आया था थोड़ी देर बाद मार्क्ड एज रिजॉल्व्ड जी, तो ये रिजॉल्व क्यों होता है सर? पता की है जी, जेडी थोड़ी मतलब की जिदा मैं चेक कर पा रहा जी, तुसी कंप्लेंट पाई सी कि स्लो स्ट्रक्चर फास्ट मीटर। ठीक है जी जी, बाकी मैं थोड़ी कंप्लेंट पा देना, बट एदे लिए सर तानू एक बारी बिल्ली घर जाना पेगा। सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतने छोटे इशू के लिए, आपका कंप्लेंट सेंटर किस लिए बना हुआ है, एप्लीकेशन किस लिए बनी हुई है, आपका आप किस लिए बैठे हैं वहाँ पर ये बताइए, या एप्लीकेशन किस लिए बनाई पंजाब गवर्नमेंट ने? पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ सोच के बनाई होगी ना एप्लीकेशन कि भैया हमें सुविधा मिले। अगर बिजली घर ही जाना है तो एप्लीकेशन बंद कर दो, अगर बिजली घर ही जाना है तो कॉल सेंटर बंद कर दो। देखो जिधर उसे कह रहे सर कि लोड ज्यादा आ रहा है, लोड ज्यादा नहीं आ रहा सर, लोड ज्यादा तो छोड़ ही दो, लोड बंद करने पे सारी, बिजली बंद करने के बाद भी लोड आ रहा है सर, आप समझ नहीं रहे हो। वही कह रहे हैं ना सर, मतलब कि मीटर से दिक्कत आ रही है ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना। तो आप यहाँ पर कंप्लेंट किस चीज की सुनते हो यहाँ पर, ये बता दीजिए, हम फिर आगे से उसी मैं लिख देता हूँ अपने उस पे कि भैया सिर्फ आपका कॉल सेंटर और आपकी एप्लीकेशन सिर्फ एक ही चीज के लिए बैठी है वहाँ पर, और कोई चीज के लिए नहीं बैठी। मेरे पास टाइम नहीं है बिजली घर जाने का, सोल्यूशन बताओ। थोड़ी गल तो सर मैं करी हूँ जी जी, माफी चाहना। आपका कोई सुपरवाइजर है उससे बात करा दो। आपको छोटा सा मैटर बता ही दिया होगा, मैं बड़ा क्या कहते हैं बड़ी टेंशन में हूँ। आप सुपरवाइजर हैं, बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। मेरे को ये बिल्कुल पंजाब से यहाँ पे निकल रहा हूँ अगर यही हाल रहा बिजली विभाग का सर। नहीं सर, उसके लिए माफी चाहूंगा सर। क्या इशू आ रहा है सर? मैंने कल एक कंप्लेंट डाली थी, उसमें मेरे को मैसेज आता है कुछ देर बाद मार्क्ड एज रिजॉल्व्ड। मेरे को बताएंगे कि मार्क क्या रिजॉल्व किया आप लोगों ने उस चीज का? माफी जी जी, रिजॉल्व कैसे की, मतलब कंप्लेंट रिजॉल्व कैसे हुई है मेरी? और इससे पहले भी मैं 4 कंप्लेंट डाल चुका हूँ, चारों बार मैसेज आया है थोड़ी थोड़ी देर बाद मार्क्ड एज रिजॉल्व्ड। मेरे को ये बताएंगे, अभी बाकी कंप्लेंट की बाद में बात करेंगे, जो मैंने लास्ट कंप्लेंट डाली है कि मीटर अपने आप ही चल रहा है, उसमें मार्क एज रिजॉल्व में आपके सुपरवाइजर या जो आपके लाइनमैन है उसने क्या लिखा है? रिमार्क्स तो कुछ दिए होंगे ना सर? सर आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर की थी? सर आपकी गलती से एक एप्लीकेशन बनी है जो पंजाब सरकार धड़ल्ले से कहती है कि इस एप्लीकेशन में आप कंप्लेंट कराइए, उसमें कंप्लेंट का कॉलम भी बना हुआ है। ठीक है, उसमें हमने डाउनलोड करके एप्लीकेशन में कंप्लेंट भी कराई है। सर आपने यहाँ पे कंप्लेंट डाली है कि आपका जो मीटर है वो बहुत तेज चल रहा है, एंड जंप डाउन फ्रॉम 20, आपका जो बिल है इस पर ज्यादा है सर। सर उसका रेजोल्यूशन कल मेरे को ना मार्क्ड एज रिजॉल्व किया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या रेजोल्यूशन निकाल के आपने रिजॉल्व की है, यहाँ आपके बंदे ने रिजॉल्व? हाँ
सर जैसे कि आपने, मैं चेक कर पा रहा, आपकी जो कंप्लेंट है 4:47 पे रजिस्टर करवाई थी आपने, ठीक है सर, और आपकी जो कंप्लेंट है वो 3:45 बाद रिजोल्व हो गई है। हाँ, क्या रिजोल्व हुई सर, बताएंगे जरा? सर इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कि जो हमारा सिस्टम है ना सर, वो 3-4 के बीच बीच में जो भी कंप्लेंट होती है वो ऑटोमेटिक रिजोल्व हो जाती है। बट इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हर एक कंप्लेंट का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि मीटर की कंप्लेंट है, इसके लिए आपको करी, जैसे आपने ऑनलाइन कंप्लेंट भी करवा दी है, इसके लिए आपको बिजली घर जाके रिटर्न भी कंप्लेंट देनी पड़ेगी सर। जो बाकी की सोल्यूशन है वो आपको बिजली घर से मिलेगा। अगर मीटर का एक कॉलम डाला है कंप्लेंट अबाउट मीटर, तो फिर वो एप्लीकेशन से काट दी थी, वो कॉलम में डाला क्यों हुआ सर? कुछ हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है ना सर। सर मेरे पास, सर मैं बंदा हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, राइट, मैं हमेशा बाहर रहता हूँ, मैं यहाँ पर आता ही बहुत कम हूँ। मैं इतनी छोटी चीज के लिए मैं वहां पर जाऊँ? ये मैंने ऑफिस रखा हुआ अपने वैसे बैठने के लिए कभी कभी, ठीक है सर। अब आप मेरे को ये टॉर्चर वाली बात होगी कि मैं अपना दिन में से मेरा आधा दिन जाएगा वेस्ट, तो यहाँ तो पंजाब सरकार, यहाँ तो पंजाब सरकार को ये बोलिए, यहाँ तो पंजाब सरकार को बोलिए कि कॉल सेंटर बंद कर दें, एप्लीकेशन बंद कर दें। हमें समझ आता है कि भैया ना कॉल ना कॉल ना एप्लीकेशन है, सिर्फ आपको बिजली घर जाके समाधान मिलेगा, फिर तो खत्म है बात ना, फिर तो उसी टाइम खत्म। नहीं, हर एक कंप्लेंट का ना एक सोल्यूशन सर प्रोसेस होता है सर। हाँ, ठीक है सर, इसके लिए यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी तरफ से एक कंप्लेंट होती है आप कस्टमर की तरफ से, उसके लिए जो बिल और मीटर के रिगार्डिंग जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं सर, ओनली बिल और मीटर, उसके लिए बिजली घर ही जाके सर एक बार। तो फिर आपने कॉलम क्यों डाले हुए हैं सर, ये आप ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं राइट सर? एक बार सर आपको ऑनलाइन भी कंप्लेंट करवानी पड़ेगी सर, हर एक कंप्लेंट का मैं वही बता रहा हूँ आपको प्रोसेस होता है सर। मतलब ये आप बोल रहे हो ऑनलाइन सिर्फ ये ऐसे ही डाल दिया इन्होंने कॉलम, ऑनलाइन कोई रेजोल्यूशन नहीं कर दी? मैं ये कह रहा हूँ कि एक सर मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, उसके अलावा कोई सोल्यूशन है आपके पास? नहीं सर, उसके अलावा नहीं होगा सर, उसके एक बार ही जाना पड़ेगा आपको, उसके अलावा सोल्यूशन ही नहीं है आपके पास सर? एक बार तो आपको बिजली के जाना पड़ेगा ना सर, आप वहाँ पे अपना मीटर। सर फिर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये ना आपका मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, आपका नाम क्या है? वो सर मेरा नाम पारुल है, उसका कोई इशू नहीं है सर। ठीक है सर, बट इसके लिए मैं वही बता रहा हूँ कि हर एक कंप्लेंट का प्रोसेस होता है, जैसे आपने तो आप यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इससे ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है ना आपके पास है, राइट? जी 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 जी। आपकी जो एप्लीकेशन है वो जी कौन सी कंप्लेंट दर्ज करती है प्रॉपरली, और आपका कॉल सेंटर कौन सी कंप्लेंट सुनता है प्रॉपरली? हमारा जो कंप्लेंट सेंटर है वो हर एक बिजली की कंप्लेंट रजिस्टर करता है, बट हर एक कंप्लेंट का एक प्रोसेस होता है सर। हर एक बिजली की कंप्लेंट कौन सी? आपने बिल वाली काट दी, आपने मीटर वाली काट दी, ठीक है, दो चीजें आपने खाली कर दी, अब तीसरी चीज बताइए, आप लोग वहाँ पर बैठ के कौन सी कंप्लेंट एंटरटेन करते हैं, बताइए। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन जो आपने लेनी है मैं आपको वही दे सकता हूँ, उसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो आप खुद ही तो बोल रहे हो कि आपका हर एक चीज करता है, तो इन चीजों के अलावा कौन सी चीज करता है? मैं अगली बार उसी चीज के लिए कॉल करूँ ना, अपना टाइम वेस्ट करूँ और आपका टाइम वेस्ट करूँ? नहीं नहीं सर, मैं आपको हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवा पाऊंगा सर, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, आप किस चीज के लिए बैठे हैं? मैं अगली बार उसी चीज के लिए कॉल करूंगा ना भैया। देखिए, हर एक कंप्लेंट का आपको कभी कोई भी इश्यू आता कौन सर मेरे सर बिजली घर में कौन सी कंप्लेंट होगी? यहाँ तो मीटर से रिलेटेड होगी या बिल से रिलेटेड होगी? वही बता रहा ना सर, वही बता रहा हूँ, आपके घर में लाइट नहीं है, एरिया में लाइट नहीं है, वो हम आपको सिर्फ आप इसी को एंटरटेन करते हैं ना, लाइट को एंटरटेन करते हैं सर? लाइट को तो करता हूँ मैं, वही बता रहा हूँ कि सिर्फ इसी चीज के लिए बनाया करें ना सर। हर एक कंप्लेंट का एक प्रोसेस होता है सर, प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। हाँ, तो आप ये दो ही चीजें देखते हैं ना, लाइट नहीं है वही चीज के लिए आपका कॉल सेंटर बना है, राइट? हाँ जी सर, सिर्फ इसी चीज के लिए ना, और कोई चीज नहीं आप एंटरटेन करोगे, राइट? यहाँ पे हर एक कंप्लेंट का होता है ना सर, तो करो फिर मेरी कंप्लेंट रिजोल्व करो सर। ये चलिए, धन्यवाद सर आपका कोऑपरेशन के लिए और आपका ये कॉल सेंटर खोलने के लिए। मेरे ख्याल ये दोनों चीजें बंद हो जानी चाहिए, इसके पीछे हम आवाज उठाएंगे, ना आपकी एप्लीकेशन चलती है ना आपका ये कॉल सेंटर किसी काम का है, दोनों ही पंजाब सरकार फालतू के पैसे खर्च रही है, उसको चाहिए हमारे पैसे कहीं और लगे। तो ये हाल है इनका, कॉल पे कह रहे हैं कि भैया हम तो यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, आप चले जाओ ऑफिस। अब ऑफिस में और धक्के, एसडीओ साहब लगे हुए पब्लिक टाइम पे अपनी प्रोफेशनल मीटिंग करने, वो एस्केलेट करते हैं किसी सरदार जी को, मेरे को सरदार जी बोलते हैं एप्लीकेशन लिख के दो। मैंने एप्लीकेशन लिख के दी, एप्लीकेशन के बाद सरदार जी ने एक नंबर लिख दिया, मोबाइल नंबर। आपको मैं पर्ची दिखाई देता हूँ, वो मोबाइल नंबर आई थिंक मेरे पास पर्ची होगी वो। चेतन भाई, ये हमारे पंजाब का हाल है, आपने दिल्ली का हाल, पंजाब का दिल्ली का हाल अभी आपको मैं बताऊंगा ना सर। ये मोबाइल नंबर है इसका, गुरकमल ईआर गुलकमर, ठीक है। सो ये मोबाइल, मैं मोबाइल नंबर नहीं, ये ईआर गुलकमर है, इसको बोला इसको कॉल कर लो, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी,
इसको कॉल किया, ये भाई साहब कह रहे हैं हम तो स्ट्राइक पे हैं, या आप ऐसा करो व्हाट्सएप कर दो, हम नहीं आपकी अभी बात सुनेंगे। मतलब ऐसी सरकार है कि जिसकी जो वर्कर है वो ही स्ट्राइक पे है, तो हाँ, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाँ, उसके बाद सुनो, इसको दोबारा कॉल किया, कॉल नहीं उठाया इसने, लेकिन सरदार जी को बोला कि भैया ये एप्लीकेशन तो लिख दिए, इसको आप सरकारी तौर पे अपने पास डॉक्यूमेंट करो। वो बोलते हैं एक मैडम के पास जाओ, साथ वाले रूम में मैडम बैठी थी चेतन भाई, और मैडम के पास और भी हाल बुरा। मैडम ने सोचा काम करना पड़ेगा, आज सरकारी नौकरी है भैया, हम काम नहीं करते, लेकिन ये कहाँ से आ गया काम देने के लिए। उनको मैंने बोला मैडम ये एप्लीकेशन ले लो, मैडम कहती है भैया ये एप्लीकेशन ले ली मैंने, फोटोकॉपी करा के आया, और मैडम ने यहाँ पर सिर्फ एक नंबर लिखा, ये देखिए डायरी नंबर लिखा कुछ, ठीक है ये नंबर लिखा है डायरी नंबर। तो मैंने कहा मैडम कोई स्टैंप और साइन तो लगा दो, ये नंबर से क्या होगा, मेरे को रिकॉर्ड पे तो डाल दो। लेकिन मैडम बोलती है अगर मैं अपना नाम लिखूंगी ना तो ये नंबर काट दूंगी। समझी, देखो मैडम ने इतनी मैडम ने क्या किया। मैंने कहा मैडम आपका नाम तो चाहिए मेरे को क्यों, मैडम ने अपना नाम लिखा नीचे गुरप्रीत कौर, और ऊपर मैडम ने ये देखिए पेन से काट दिया। इतना 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 काम चोर लोग हैं यहाँ पर, विश्वास है काम नहीं होगा उनको। हाँ, उन्होंने डायरी नंबर काट दिया, अपना नाम लिख दिया, काम नहीं करना, दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी। ये बिजली विभाग के लोगों को अपनी दादागिरी छोड़नी चाहिए। ये भैया एप्लीकेशन, चेतन भाई मेरा बिल 4 महीने का अनपेड है, 18 अक्टूबर को दी थी, मेरा 2000 पहला पेंडिंग था, 14000 जब बिल आया तो कितना हो गया 16000। और आप सुन के हैरान हो जाओगे, ये 2 महीने से धक्के खा रहा हूँ, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहा हूँ, लेकिन इन लोगों की चल रही है स्ट्राइक, और अब बिल आ चुका है, कितना होगा, जब मैं रह ही नहीं रहा, अब बिल आ गया भैया 28000 रुपये। ये देखिए भैया बिल देखिए, 28000 का मेरे को मैसेज आ गया। ये सरकार ने भैया बिजली के बिल घटा दिए, 3 रुपये घटा दिए, 4 रुपये घटा दिए, 5 रुपये घटा, पर ये क्या कर रहे हो भैया, मीटर तो बढ़ा दिए ना, मीटर की खिंचाई तो कर दी ना आपने, क्या कर रही है सरकार। और आप बताओ, एक्चुअली ये वीडियो तब बना रहे हैं कि चेतन भाई बता रहे थे इनका बिल कितना आता है यहाँ पर। सर मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर बहुत अभी ऐसा आ गया है कि गवर्नमेंट ऐसी हो गई है, वहाँ पे इतनी अच्छी गवर्नमेंट हो गई है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट आपका केजरीवाल के फेवर में हो, पहले बताओ। बिल्कुल केजरीवाल के फेवर में हूँ मैं, नहीं मैं ना कांग्रेस के फेवर में हूँ ना केजरीवाल के ना किसी पे, लेकिन मैं इनकी बात सुन के ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज मेरा ना दिल का दर्द है भैया, 5वां महीना हो गया मैंने बिल नहीं पे किया बिजली का, और 28000 फिर दे दिया इन्होंने बिल। हाँ चेतन भाई, सर देखो हमारे यहाँ पर अभी रिसेंटली मेरा बिल आया, मैंने यूनिट यूज की 185 × 3, मतलब मेरा टोटल अमाउंट बनता है 555। बट इसमें एक गुड न्यूज क्या है कि मेरे लिए केजरीवाल सरकार ने क्या किया कि मेरा डिस्काउंट, मेरा बिल है नोट टू पे, और इसमें हमें दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट फ्री दी है, 200 यूनिट। अब 200 यूनिट तो कोई बिल ही नहीं आया आपका, कोई बिल ही नहीं आया। अरे यार सीखो यार, पंजाब वालों सीखो, हमारे मंत्री साहब ने तो बिजली सस्ती कर दी, लेकिन बिल कहाँ है, बिल आ गया भैया 2500 आ गया, 3 रुपए यूनिट सस्ती किया। प्लस पॉइंट और बता देता हूँ, इसमें प्लस पॉइंट और है, जैसे आपका बिल आया 18000 तो आपकी गवर्नमेंट 18000 ही आपको पे करना होता है, हमारे यहाँ पे अगर बिल आया 3000 तो उसमें भी हमें डिस्काउंट मिलता है 200 यूनिट का, 200 यूनिट माइनस करके आपको मिलेगा। अच्छा, माइनस करके मिलता है यार, 200 यूनिट का डिस्काउंट देगा। मैं क्या बोलूँ, हमारी सरकार थोड़ी जाग जाए। अगर भैया बड़े फास्ट काम कर रहे हो, बड़ा कुछ कर रहे हो, लेकिन बड़ा कुछ करने में अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम तो सुधार लो। ये भी मैं सर, जबकि दिल्ली में बिजली नहीं बनती है, दिल्ली में बिजली नहीं बनती, वो बाहर की सरकार, बाहर की बिजली बनती है, बाहर के स्टेट से आ रही है। मैं ना ये हमारे चन्नी साहब है उनके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जो मेरा बिल आया ना, ये बिल बहुत गंदा है, और मैं कहाँ धक्के खाऊं, ये सीएम साहब मैं कहाँ धक्के खाऊं, अगर आप तक ये वीडियो वैसे तो पहुंचेगी नहीं, अगर पहुंच जाती तो मैं कहाँ धक्के खाऊं, ये बताओ कहाँ धक्के खाऊं। आपके यहाँ पर कंटिन्यू स्ट्राइक चल रही है, 6 मतलब 5वां महीना हो गया मैंने बिल नहीं पे, मेरे को भैया पता नहीं लग रहा कि मैं करूँ क्या, ऑफिस जाओ ऑफिस में धक्के, कॉल सेंटर पे कॉल करो कॉल सेंटर पे धक्के, एप्लीकेशन में करो एप्लीकेशन में कोई सुनवाई नहीं, तो सुनवाई है कहाँ पे, आप कहाँ जागे हो, आप सोए हुए हो। उम्मीद है कि भैया ये 28000 सॉर्ट आउट होगा, जो भी होगा, पता नहीं ये कैसे आ रहे हैं,
आप घर आके एसी चेक कर लो, वो कर लो। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे अगर मैं रह लूँ तो भी नहीं आएगा, तो भी नहीं आएगा। ये तो सब बस सरकार को लूटने का एक तरीका मिल गया। और जो स्ट्राइक चल रही है, अगर स्ट्राइक ही चल रही है तो फिर कस्टमर केयर फोन ना उठाए, फिर क्लियर स्ट्राइक करवाएं। अगर स्ट्राइक चली है तो स्ट्राइक भी बहाना है, बहाना है कि आप कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं देना चाहते। स्ट्राइक भी बहाना है, ये लोग काम करना, ये काम चोर है, काम चोर हो आप। अब मैं क्या बोलूं इनको, बोल दूं आप लोग काम चोर हो। मेरा दिल कर रहा है कि भैया पंजाब में ना रहूं, चेतन भाई दिल कर रहा है अभी तो दिल्ली में आ जाऊं। सर डेफिनेटली सर, केजरीवाल सरकार आपको बहुत सपोर्ट करेगी। अरे मेरे को नहीं मालूम केजरीवाल साहब कैसे हैं कैसे नहीं है, बट ये भाई अपनी बात सुना रहा तो मैंने बस अपने जज्बात खोल दिए। ये बिल का कुछ हो पाएगा, कोई ज्ञानी पुरुष कोई बताएगा कि मैं क्या करूं अब? और ये पता क्यों बोला जा रहा है, हम कोई बहुत अमीर नहीं है, हमारे पास बहुत सी मिल नहीं चल रही है हमारे फादर की, ये हम मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास लोगों की अगर 28,000 रुपये हमारी, अगर हमारी 50,000 सैलरी ही है या हमारी 40,000 सैलरी ही है तो हम 28,000 बिल भरेंगे तो कहाँ पर हम खाएंगे भाई? खाने को मोहताज हो जाएंगे इस तरीके से। 28,000 30,000 की कोई बात नहीं है, जो जायज है बोलो। हाँ जायज है भैया, ठोके कितने लोगों के साथ हो रहा होगा, छाती ठोके दूंगा, जायज है। अगर ऐसे तो मैं एजुकेटेड हूँ भैया, मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के धक्के खाने पड़ रहे होंगे, बेचारों को कुछ नहीं पता। मतलब वो ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाने के बाद ये लोग चल उधर चल जा, ऐसे तो बात करते हैं यार, शर्म करो यार आप लोग बिजली वालों, शर्म करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? एक तो हमारे पैसे ले रहे हो, हमसे सैलरियाँ ले रहे हो, हमारे टैक्सेस से सैलरियाँ ले रहे हो, और ऊपर से ऐसे बात करते हो, हंस के बात नहीं करती। मैडम देखो, मैडम इतनी काम चोर है, सॉरी मैडम मैं आपको काम चोर बोल रहा हूँ, बोलना पड़ेगा मेरे को। आपने ऊपर से ये काटा और ऊपर से काटने के बाद आपने यहाँ पर लिख दिया गुरप्रीत कौर, मैं यहाँ तो साइन करूंगी या तो डायरी नंबर दूंगी। व्हाट इज दिस मैम? दिस इज टोटली मिसगाइडेंस। यू आर नॉट हैंडलिंग योर वर्क। एनीवेज ये वीडियो जानी चाहिए गुरप्रीत कौर जी को। भैया पूछो, कोई सवाल पूछो उनका सीनियर। क्यों चेतन भाई? बिल्कुल पूछना चाहिए, डेफिनेटली। अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भैया हमें आगे जाके तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं, हमें खुद लड़ना पड़ेगा इस चीज के लिए। लेकिन मैंने कभी लाइफ में नहीं सुना इतने बिल और इतने चक्कर। हाँ। बहुत गलत है। और वो भी किस बंदे के साथ, जो बंदा जो की घर पे टिकता ही नहीं है, जो टूर पे टिकता नहीं है। और भैया मैं रहता ही व्लॉग शूट करने के लिए, तो अभी भी बरेली से आ रहे हैं, मेरा ऑफिस बंद पड़ा, मैं क्या बोलूं। चलिए यहीं पर ये वीडियो एंड करता हूं, कोई बुद्धि जी बता दे इसकी समस्या कैसे है, धरना दे दे क्या, भूख हड़ताल कर लें, क्या करें तब ये जागेंगे लोग। कुछ बता दो क्या करना चाहिए, बैठ जाते हैं सड़कों पर ताकि मेरे कारण और लोगों का भी ये सारी समस्या दूर हो। लेकिन ऐसे काम चोर लोग ऐसे ऑफिस में ना टिके, हमारी सैलरी पे ना टिके, जो मैडम इस तरह के लिख के दे रही है ना गुरप्रीत कौर, और इस तरह से डाइवर्ट किया जाता है। पहले सरदार जी मैडम के पास भेजते, पहले एसडीओ सरदार जी के पास, सरदार जी एक नंबर देते हैं, नंबर वाला फ़ोन नहीं उठा रहा। भैया ये भी काम चोरी है गुरकमल, इसको मैं कई बार कॉल कर चुका हूँ, ये इसको भी कई बार कॉल कर चुका हूँ, ये अब कॉल उठानी बंद कर दी इसने मेरी। तो गुरकमल भी बहुत बड़ा काम चोर है, ठीक है, स्ट्राइक कर रहा होगा भैया, जो भी है, व्हाटएवर पोजीशन यू हैव, सॉरी सैलरी तो मिलनी नहीं होगी, व्हाटएवर पोजीशन यू हैव, बट ये गलत बात है। चलिए ये वीडियो अभी यहीं पर बंद करते हैं, होप सोल्यूशन आ गया होगा, कोई सोल्यूशन बता दे, अच्छी बात है। धन्यवाद।